गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान के पक्ष में जो है आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी जो है रोड शो कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि उनका काफिला जो है मलकपुर से स्टार्ट होकर जो उनका रोड शो था वो सिनोली पहुंच चुका है और भारी तादाद में अगर मैं कहीं तक मेरे पीछे देखेगा कि किस तरह की भीड़ जो है यहाँ पर उनके स्वागत के लिए जो है वो उमड़ पड़ी है। ऐसा लगता है कि मानो पूरा गाँव ही रोड पर आ गया है। कुलदीप सिंह तोमर, युवाओं में बहुत उत्साह है, जबरदस्त उत्साह है। कैसा लग रहा है, कैसा रहेगा चुनाव? चुनाव तो एक तरफा है, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन है बीजेपी के साथ? हाँ, गठबंधन है और बहुत अच्छी स्थिति है। दोनों दल एक जगह मिलके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, चुनाव एक तरफा और इतनी तगड़ी जीत होगी कि उत्तर प्रदेश में मिसाल बनेगी। पाल सिंह पवार, एडवोकेट गांव सबका। पवार साहब, काफिला आ रहा है, रोड शो चल रहा है, कैसा माहौल है, किस तरह का खुशी है? बहुत शानदार माहौल है, अपार खुशी है लोगों में। भूतपूर्व खुशी है। छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सब जो है रोड शो में हिस्सा लेने के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन है, हमेशा विरोध में रहे हैं, कैसा रहेगा माहौल? ये माहौल अच्छा है, पहले विरोध में थे लेकिन अब साथ में है। जब गठबंधन है तो गठबंधन धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। मैं डॉक्टर कुलदीप उज्जवल हूँ, राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव हूँ। एक तरफा माहौल है, सारे लोग घरों से निकल करके, इतना उत्साह है कि ये ऐतिहासिक जीत होगी। कम से कम 10 लाख अगर वोट पोल हुई तो 8 लाख वोट डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को मिलेंगी, ऐसा उत्साह है। सारा का सारा समाज, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब सड़कों पे हैं और सब अपने नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। गठबंधन है बीजेपी के साथ, कैसा माहौल रहेगा? परिवर्तन है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज डॉक्टर राजकुमार सांगवान के साथ खड़ा है। सब लोग मिल करके बड़ा ऐतिहासिक जीत कराने जा रहे हैं। आज चुनाव आप समझो कि जितना था उसके गुना दो उठ चुका है। ये आज हमारा जो रोड शो है ये इतना ऐतिहासिक होगा, ये देर रात तक बड़ौत में पहुंचेगा और इतना ऐतिहासिक होगा कि आज ही जीत की जो लीड है, जीत तो पहले ही थी लेकिन जो जीत की लीड है वो लाखों में चली जाएगी। संजीव आर्य, यहाँ पूरे क्षेत्र में भारी उत्साह है, लोगों का सैलाब रोड पे उमड़ा हुआ है, जन 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 यहाँ खड़े हुए हैं। देखो आप चारों साइड में पूरा भारी सैलाब उमड़ा हुआ है। चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? चुनाव बिल्कुल क्लियर और साफ है और लाखों वोट से सांगवान जी जीत रहे हैं। जी, डॉक्टर अजय तोमर, पूर्व विधायक छपरौली बागपत। जी, यहाँ का बच्चा बच्चा आज चौधरी चरण सिंह जी के बताए इस रास्ते पर, जो उन्होंने इस क्षेत्र को किसान, मजदूर, भाईचारा एक करने का संदेश, आदेश और यहाँ पर भाईचारा पैदा किया था, उसको लेकर खड़ा हुआ है। जयंत जी के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान को भारी बहुमत से जिताने का काम छपरौली विधानसभा का यह हिस्सा करने जा रहा है। जयंत जी का आज बहुत भारी संख्या में लोग उत्साह के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जैन जी का रोड शो कहां से स्टार्ट और कहां तक होगा? जैन जी का आज जो रोड शो था बड़ौत विधानसभा के लोयन मलकपुर से शुरू होकर सिनोली, नंगला, बदरखा, छपरौली, टांडा, किरठल, लूम, तुगाना होते हुए बिराल, बड़ौत विधानसभा के बिराल और बावली से निकलकर बड़ौत कार्यालय पर पूर्ण होगा, जहाँ पर वे वहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने का कार्य करेंगे। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज, बागपत।